दोस्तों, इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप ट्रेन का टिकट कैसे काट सकते हैं। कहीं भी जाना हो आपको, तो आप कैसे ट्रेन का टिकट खुद से मोबाइल फ़ोन से कैसे काट सकते हैं। तो सबसे पहले अपना गूगल क्रोम ओपन कर लीजिए। यहाँ पर टाइप करना है IRCTC, और बस ये देख रहे हैं दोस्तों, आपको आ जाएगा लिंक वहाँ पे, या फिर इसको सर्च कर लीजिए। आप सिंपली आप इसको सर्च ही कर लीजिए, पहला वेबसाइट जो आएगा उसको आपको ओपन कर लेना है। ये देखिए, बस खुल के आ गया पहला वेबसाइट, बस इसको ओपन कर लेना है। अब हमें ट्रेन सर्च करना है, तो यहाँ पे हम फॉर्म डालेंगे कहाँ से चलना है हमें। तो कहाँ से स्टेशन आप सेलेक्ट कर लेंगे, हमें पटना से इंदौर जाना है, तो हमने पटना टू इंदौर सेलेक्ट कर लिया है। आप यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप इसमें फ्लेक्सिबल डाल सकते हैं, फ्लेक्सिबल डेट कि आप कोई भी आगे पीछे का डेट दिखाएं। तो यहाँ पे सर्च करने के बाद आपको बहुत सारे ट्रेनें आ जाएंगी, जो भी ट्रेन होगी वहाँ उस रूट के लिए उसका लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इसमें से एक ट्रेन चूज कर लेंगे, कौन से ट्रेन में आपको जाना है और कौन से ट्रेन में आपका सीट अवेलेबल है, वो भी आप देख लीजिए। हरे ग्रीन कलर से वो शो कर रहा है, और वेटिंग लिस्ट वाले रेड हो जाते हैं जिसमें सीट अवेलेबल नहीं होता। जिसमें सीट अवेलेबल होता है वो ग्रीन रहता है। तो ये देखिए, RSC 45 इसमें अवेलेबल है। तो टिकट करने के लिए हमें उस पर क्लिक करना होगा जहाँ पे भी वो आ रहा था ग्रीन कलर का। अब मुझे यूजर आईडी डाल के अपना लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास यूजर आईडी नहीं है तो आप बना लीजिएगा, यहाँ पे ही एक ऑप्शन होता है बनाने का। अब मैं इसको क्लिक करता हूँ, और ये देखिए, आपको जो भी टिकट करना है उस पर हमने क्लिक किया था, तो अब ये ऑप्शन आता है आपका पैसेंजर नेम डालने के लिए। तो सबसे पहले आप पैसेंजर नेम डालेंगे, यहाँ पे आपको रोड रेट से शो हो रहा होगा दोस्तों, 755 रुपये हैं। यहाँ मैंने हमने सबसे पहले पैसेंजर नेम डाला है जिसको जाना है, और एज डाल दिया है, और यहाँ पे आप जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आपको जो भी आप पे सीट लेना चाहते हैं, अपर लोअर साइड लोअर जो भी आपको लेना है, जो भी सीट आप प्रीफर करते हैं वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। हमने लोअर कर लिया है। अब यहाँ पे आपको पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालना है। पैसेंजर का मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों, पैसेंजर का ही मोबाइल नंबर डालें ताकि उनके उनके ऊपर ना मैसेज जा सके। जो भी मैसेज चार्ट प्रिपेयर्ड होने के बाद जो मैसेज आता है वो उनके पास जा सके। तो मैं उससे पहले एक और पैसेंजर ऐड कर रहा हूँ। पैसेंजर जितना भी ऐड करना है वहाँ पे आप क्लिक करके ऐड करते जा सकते हैं। तो हमने एक और पैसेंजर ऐड कर लिया है। यहाँ पे ऐड पैसेंजर ऑप्शन होगा, वहाँ से आप पैसेंजर ऐड कर सकते हैं। अब मैं मोबाइल नंबर डालूँगा। अब मैं इसमें मोबाइल नंबर डाल रहा हूँ, मोबाइल नंबर अपना डाल दिया हूँ, और यहाँ पे आपको एड्रेस भी फिल करना होता है दोस्तों। तो एड्रेस आप स्टार लगा है वही फिल करिए, बाकी सब मत फिल करिए। तो ये मैं एड्रेस डाल रहा हूँ, यहाँ पे आप पिन कोड डालना पड़ेगा। पिन कोड डालने के बाद बाकी चीज़ें अपने आप ही ले लेता है, तो आगे की चीज़ें डालनी नहीं है, वो अपने आप ही ले लेगा। अब यहाँ पे आता है आपका ट्रेवल इंश्योरेंस, तो आप यस ही कर दे, थोड़ा सा ही पैसा लगता है, कुछ पैसे लेते हैं तो अच्छा ही रहता है। और आपको पेमेंट किसके थ्रू करना है, पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। अगर क्रेडिट कार्ड कर रहे हैं तो ऊपर वाला, डेबिट कार्ड कर रहे हैं तो ऊपर वाला कीजिए। अगर कोई एप्लीकेशन के थ्रू कर रहे हैं जैसे गूगल पे वगैरह, तो आप नीचे करेंगे पे थ्रू भीम UPI। ये मैंने ओके कर दिया है। आपको ये रेट जोड़ के आपका 1522 रुपये आ रहा है, तो आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। हम यहाँ सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले आप कैप्चा डाल देंगे, कैप्चा डालने के ऑप्शन आ रहा होगा, तो
तो पहले कैप्चर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। हमने ये कैप्चर डाल दिया है और कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है फिर से पेमेंट मेथड, तो आप इसको ऊपर क्रेडिट कार्ड है और डेबिट कार्ड है तो आपको कौन सा करना है, आप यहाँ पे भी सिलेक्ट कर, भीम यूपीआई मुझे करना है तो मैं भीम यूपीआई कर लेता हूँ और कंटिन्यू कर देता हूँ। अब ऊपर ऑप्शन आ रहा होगा पे यूजिंग भीम यूपीआई, अब उस पर क्लिक करने के बाद हमें देखिए यहाँ पे एक पेटीएम का ऑप्शन आया है, एक यूपीआई का आया है, तो मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा और मैं यूपीआई अपना आईडी डालूँगा जो भी हमारे पास गूगल पे में है या फिर जहाँ भी है, यूपीआई आईडी एक बन जाती है तो वो यूपीआई आईडी मैं यहाँ पर डालूँगा। आपके पास यूपीआई में ना वो पे करने के लिए रिक्वेस्ट चला जाएगा, तो मैंने अमेजन का यूपीआई आईडी डाला था, यहाँ पर रिक्वेस्ट आया है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के इसको पेमेंट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली पेमेंट हो चुका है दोस्तों, ये हमारा टिकट बुक हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा टिकट बुक हो चुका है। पेमेंट ऑप्शन जैसे ही क्लियर करने के बाद ये हमें आपको टिकट डाउनलोड करने का ऑप्शन यहीं पे मिल जाएगा, यहाँ पे देख रहा है छोटा सा प्रिंट का ऑप्शन है, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका टिकट डाउनलोड हो गया है। आप इसे चाहे तो फ़ोन में ही रख सकते हैं या फिर आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, प्रिंट पे क्लिक करेंगे और प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप इसको वैसे सेव करके रख सकते हैं पीडीएफ में, प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा तो आप इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए प्रिंट नेम डाल दीजिए और सेव कर लीजिए, आपके फ़ोन में ये ऑफलाइन सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी वीडियो ट्रेन टिकट बुकिंग का, कि आप कैसे कर सकते हैं ट्रेन का टिकट बुकिंग।